और जो सबवेंशन स्कीम है इंटरेस्ट का, विशेषकर जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उसको थोड़े और दिन तक उसको चालू रखें। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि साथ में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि दूर दराज, अब देखिए एक चीज हुआ है पैंडेमिक के बाद कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ये साबित हो गया है। हर तरीके का काम नहीं, लेकिन कुछ काम हो सकता है, इसलिए लोग थोड़े दूर जाके भी रहना चाहते हैं, जहाँ पर वातावरण अच्छा हो, दाम सस्ता हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो और कनेक्टिविटी हो। तो इसलिए यदि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग जो एकदम शहर के बीच में क्राउडिंग होता था, उसको हम लोग थोड़ा डिस्पर्स कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, खरीदने वाले, घर खरीदने वाले और घर बनाने वाले के सपनों में कई बार क्लैश भी होता है, जिसका जिक्र होता है कि किस तरह से हम रेगुलेट इस पूरे रियल एस्टेट को करें। पिछली बार भी कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन किस तरह से बातें आगे बढ़ी, हम बातचीत करेंगे। बड़ी खबर एक बार आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। अब संसद में कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक में ही जो थोड़ी देर में अब होने वाली है, इस बजट का अप्रूवल होगा, जिसके बाद ठीक 11 बजे, अब सिर्फ 37 मिनट का इंतजार है, ठीक 11 बजे जैसे ही बजेंगे उसके बाद से आप देखेंगे निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, अपना तीसरा बजट संसद में पेश करने वाली है।